दे रखे हैं, लेकिन ये दिल अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे। बरसा बरस गुजर गए, हंसी मजाक में ही चले गया सब कुछ, पूरी जिंदगी हंसी मजाक में ही गुजार दी, टाइम पास जिंदगी बना दी कि चलो टाइम पास, दोस धक्का चल रहा है, धक्का धक्का निकल रहा है। नहीं, टाइम पास नहीं, जिंदगी में जो वक्त मिला ये कुछ करने के लिए है, इसको अपने आप को संवारना और सुधारना और बनाना है, और फिर इस जिंदगी को काम आकर फिर मेरी जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेरी जिंदगी जो है वो अपने लिए नहीं है खाली, इस ईमान वाले को खाली अपने लिए नहीं भेजा गया था, मेरी जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, यह है असल जिंदगी, कि मैं दूसरों के काम आ जाऊं। तो फिर दिल जब इस तरह के तैयार नहीं हो पाया तो दूसरों के काम कब आएगा? वो तो अपनी चक्की पीसता रहेगा अंदर, अपने ही मसले हल करता रहेगा अंदर, अपने अंदर को सोचता रहेगा मेरा ही बने, मेरा ही बने, मेरा ही बने, मेरा ही घर, मेरी चार दीवारी, वो सब लूट खसूट करके अपना घर बनाने के चक्कर में रहेगा, उसको किसी की नहीं पड़ी होगी, इंसानियत सिसक रही होगी, इंसानियत आखिरी दर्जे में जा चुकी होगी। और ईमान वाले जो है उनका तारुफ खत्म हो चुका होगा, ईमानी माशरा नहीं बन पा रहा होगा, ऐसे में सिर्फ नफसा नफसी होगी, जब दिल नहीं बन पाएगा तो नफसा नफसी है, पर फिर उसकी ये होगी कि पड़ी है तुझे गुल की और मुझे गुलिस्तान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरी इंसानियत की फिक्र थी, पूरी इंसानियत, और हमारी फिक्र क्या है कि मेरा घर,